कुछ ऐसे विभूतियां खड़ी है, भले हमारे लिए नहीं है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन देश के लिए विभूतियां हैं जो लगातार अपनी कहीं ना कहीं अपना लोहा मनवा रहे हैं किसी ना किसी रूप में। तो ऐसे ही हमारे साथ में आज जो खड़े हैं और कुछ जो पास आउट हैं, गंभीर है, शिवम है, दीपक रावत है, शेफाली है और सौरभ शर्मा है, और दर्श और लुकमान राजेश आज नहीं आया, इसलिए ये सारे के सारे कि ऐसे लोग खड़े हैं जिनको आपको फॉलो करना है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, ये आज आगे इसलिए खड़े हैं कि शायद कितनी मेहनत की होगी इन्होंने सिर्फ वहां से आगे खड़े होने के लिए। ये आप अपना एक्सपीरियंस आप खुद बताएंगे और मैं आगे के लिए प्रिंसिपल सर को बुला रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू हरीश सर, एक बार आज के असेंबली में जो हमारे गेस्ट हैं इन सबके लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। इतने शानदार इनके अचीवमेंट है, इतनी शानदार तालियां आपकी नहीं बजी है। गर्व होता है जब अपने तैयार किए हुए बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम रोशन करते हैं, और ये कल कहीं भी जाएं लेकिन हमारे लिए हमारे स्टूडेंट रहेंगे, और इनमें से अधिकतर बच्चे आज संस्थान में अपनी शिक्षा हायर एजुकेशन ले रहे हैं, आफ्टर ट्वेल्थ अपना ग्रेजुएशन या बीएड या डीएड के कोर्सेज कर रहे हैं, गंभीर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और स्कूल से तीन बच्चे इप्सा में गए थे जिनमें से दो बच्चों के कॉन्सुलेटेड प्राइस आए हैं और एक बच्चा सिल्वर और ब्रॉन्ज लेके आए हैं। तो मैं बहुत आज अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूँ कि ये बच्चे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न स्पर्धाओं में हमारे आदर्श विद्यालय का, हमारे संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। अब एक छोटी सी प्राइस सेरेमनी जो कि इनके मेडल्स आए हैं वो हम इनको पढ़ाएंगे, उसको पहनाते समय एक साथ ही बस आप तालियां बजाएंगे, और उसके बाद एक छोटा सा एक फोटो सेशन यहाँ पे होगा, और उसके बाद असेंबली की प्रक्रिया आगे चलेगी। तो इन सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि अपने प्राइज निकाल लीजिए। गंभीर को मेडल पहना रहे हैं प्रिंसिपल सर, शेफाली शेफाली को मेडल पहना रहे हैं, और मेहनत और हमारा शुभकामना आपके साथ है। लेकिन ये फोटो हमारे स्कूल के YouTube चैनल पे हम डालेंगे और सब पेरेंट्स तक हमारे WhatsApp के थ्रू ये पहुंच जाएंगे, और बहुत अच्छा बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और छोटे बच्चे खास तौर से आप लोग प्रेरणा लीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, एकेडमिक्स और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स, योगा, सब तरीके से आपको फिट रहना है। और सैटरडे हमारे स्पोर्ट्स थे उनकी भी लिस्ट है, क्योंकि स्पोर्ट्स डे हमने अनाउंस किया और उस दिन 50% बच्चे नहीं थे, तो उनको आज हम असेंबली में रोकेंगे। जैसे हमने इनको सम्मानित किया है ऐसे ही हम उनसे भी बातें करेंगे। थैंक यू।